Have a good day. Today I am going to start a new chapter. Before this, some chapters we have already completed. आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स, जिसके बारे में पिछले क्लास में भी तुम लोगों को आइडिया मिल चुका था, लेकिन आज थोड़ा सा आगे करेंगे. हो सकता है इसका कुछ पोर्शन पिछले क्लास में भी पढ़ाया गया हो, तो एक तरह से रिकैपिचुलेशन भी हो जाएगा, मतलब दोहरा भी लेंगे इसको हम लोग. तो जो नया चैप्टर है वो है ट्रायंगल्स. नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रायंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज स्टार्टिंग से. जहाँ तक मैंने प्रयास किया है कि इसमें ऐसा कोई पोर्शन अब तक छूटा नहीं है जिसे तुम लोगों को लगे कि हमने ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया. तो स्टार्टिंग करते हैं ट्रायंगल्स. मतलब पहला है डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल. तो ट्रायंगल क्या है? ये क्या है? अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल. अगर हम लोग शेप बनाए ट्रायंगल का, तो ये शेप बना सकते हैं हम लोग. हैं ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी. ए बी सी एज ए ट्रायंगल. अभी हमने टाइप ऑफ ट्रायंगल्स लिखा नहीं है, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स लिखा नहीं है, केवल ट्रायंगल का डेफिनेशन हमने लिखा है. अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन. हमारा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट क्या है? ए बी है, बी सी है, ए सी है. बाउंडेड होना चाहिए. जो फिगर बाउंडेड होता है उसे बोलते हैं पॉलीगन. यानी ट्रायंगल क्या है? पॉलीगन है जो थ्री लाइन सेगमेंट से बना हुआ है. नेम ऑफ द ट्रायंगल इज ए बी सी. तो हम लोग किसी ट्रायंगल को नेमिंग करने के लिए हम लोग ऐसे ट्रायंगल लिख भी देते हैं. ट्रायंगल, ट्रायंगल को डिनोट करने के लिए किसी अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, और ये हमारा कैपिटल लेटर होता है. तो इस फिगर में ए बी सी इज अ ट्रायंगल. अब है नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स के डिफरेंट काइंड्स होते हैं, डिफरेंट प्रकार होते हैं. तो सबसे पहले ये दो कैटेगरी में बढ़ता है, क्योंकि ट्रायंगल्स को डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स बांटने के लिए उसको दो पार्ट में बांटते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, यानी साइड्स के मेजरमेंट पे ट्रायंगल्स को बांटी जाती है. तो सबसे पहले है स्केलिन ट्रायंगल. स्केलिन ट्रायंगल क्या है? अ ट्रायंगल हैविंग ऑल इट्स साइड्स विथ डिफरेंट लेंथ. ए बी बी सी के बराबर नहीं है, बी सी ए सी के बराबर नहीं है, यानी तीनों के तीनों साइड्स हमारे डिफरेंट लेंथ्स के हैं. वैसे ही एक एग्जाम्पल हमने लिया है डी ई एफ. ये मान के चलना है कि डी ई ई एफ और डी एफ में कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है. देयरफोर ए बी सी एंड डी ई आर स्केलिन ट्रायंगल ट्रायंगल्स. नंबर टू आइसोसेलस ट्रायंगल. आइसोसेलस ट्रायंगल का मतलब है अ ट्रायंगल इन विच एट लीस्ट टू साइड्स आर इक्वल. वह ट्रायंगल जिसके कम से कम दो साइड्स इक्वल होने चाहिए, मेजरमेंट चाहे कुछ भी हो. तो हमने यहाँ पर दो ट्रायंगल बनाया, एक ए बी सी और डी ई एफ. ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू ए सी है. ट्रायंगल डी ई एफ में डी इज इक्वल टू डी एफ है. ए बी इज इक्वल टू ए सी, डी इज इक्वल टू डी एफ. इसीलिए ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, डी ई एफ इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल. सो वी हैव हियर टू आइसोसेलस ट्रायंगल्स. नंबर सी, सी में है इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है? अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4, ये भी 4. यहाँ पर हमने एक जैसा इंडिकेशन दे दिया है, इसका मतलब तीनों ट्रायंगल्स आपस साइड्स में आपस में इक्वल हैं. सो वी हैव ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स. अब ट्रायंगल्स के डिफरेंट काइंड्स होंगे. पहला हुआ साइड्स के बेसिस पे, अब होगा एंगल्स के बेसिस पे. सो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, नंबर वन इज एक्विट एंगल ट्रायंगल. एक्विट एंगल ट्रायंगल
हम लोग जानते हैं एक्यूट एंगल मीन्स दैट एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन जीरो एंड लेस देन 90 डिग्री. सो अ ट्राइंगल इन विच ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री इज सेड टू बी एक्यूट एंगल. हियर इन दिस फिगर इफ आई एम नेमिंग इट इज एज ए बी सी देन वी हैव एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री, लेस देन बी इज लेस देन 90 डिग्री एंड सी इज लेस देन 90 डिग्री. सो ऑल द थ्री एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री एंड ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री एंड हियर सम बिकम्स 180 डिग्री. नंबर बी राइट एंगल ट्रायंगल. अ ट्रायंगल इज इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री एंड ईच ऑफ द अदर इज एक्यूट. अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री से बड़ा हो. इन ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री एंड ईच ऑफ द अदर इज एक्यूट. किसी एक का मेजरमेंट 90 अगर होगा तो बाकी दोनों के एंगल का सम होगा 90 डिग्री. इसका मतलब बाकी दोनों एंगल्स इंडिविजुअल अकेला अकेला लेंगे तो 90 से छोटा होगा, यानी एक्विट एंगल होगा. इसीलिए जब किसी ट्रायंगल के कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होते हैं तो उस ट्रायंगल को बोलते हैं हम लोग राइट ट्रायंगल. सो हियर एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्विट एंगल. सो ट्रायंगल ए बी सी इज नेम्ड एट राइट एंगल ट्रायंगल. और किसी भी ट्रायंगल में एक से ज़्यादा 90 नहीं हो सकता. 90 डिग्री जब भी होगा तो एक ही हो सकता है. सी इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. ऑब्ट्यूस मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री. सो हियर अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूस दैट इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री एंड द अदर टू आर एक्यूट मीन्स अदर टू एंगल्स आर एक्यूट. हियर वन एंगल इज सपोज टू बी एंगल बी एज 125 डिग्री विच इज मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री एंड द टू एंगल्स आर 30 डिग्री एंड 25 डिग्री. इफ वी एड ऑल द थ्री वी आर गेटिंग 180 डिग्री. किसी भी हालत में एंगल का एंगल्स का सम 180 एग्जैक्ट होना चाहिए. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. ट्रायंगल एबीसी, मान लिया कोई एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस किया गया, बीसी को प्रोड्यूस किया गया डी तक, बीसी को बढ़ाया गया है डी तक. व्हेन एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एंगल सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. सो हियर एंगल ए सी डी इज एक्सटीरियर एंगल एंड द अदर टू एंगल्स आर सेड टू बी इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. देखो क्या लिखा है यहाँ पे. इफ एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एंगल सो फॉर्म्ड या सो प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द ट्रायंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. ये एंगल एक्सटीरियर एंगल. If the sides BC of triangle ABC is produced up to a point D, then angle ACD is called exterior angle at C पे. Whereas angles A or A and B, इस दोनों को बोलते हैं हम लोग interior opposite angles. C के साथ जो साथ में angle होगा उसको बोलेंगे adjacent angle, और इससे दूर जो होगा वो एंगल को बोलेंगे हम लोग इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स. कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसकी जानकारी बहुत जरूरी है. वो क्या है? सबसे पहले है मीडियन. क्या है मीडियन? द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दैट साइड विथ द अपोजिट वर्टेक्स. ए बी सी को ट्राइंगल है. हियर इन ट्राइंगल ए बी सी अगर किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट ले लें, जैसे हमने यहाँ लिया है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी,
बीसी का एक मिड पॉइंट डी हमने ले लिया, तो डी से ज्वाइन किया गया ए को, देन ए डी इज सेट टू बी मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए डी इज सेट टू बी मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब इसके साथ मीडियन के साथ कुछ फैक्ट्स हैं जिसकी जानकारी जरूरी है। तो पहला फैक्ट है नंबर वन, अ ट्राइंगल हैज थ्री मीडियंस। किसी भी ट्राइंगल के थ्री मीडियंस होते हैं एंड ऑल द थ्री मीडियंस आर ऑलवेज कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब ऑल द मीडियंस आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट ओनली। केवल एक ही पॉइंट पे ये मिल सकते हैं। नंबर टू, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। जिस पॉइंट पे मीडियन मिलते हैं, जैसे हमने यहाँ लिया ए बी सी, तो वन इज ए डी मीडियन, नेक्स्ट इज बी मीडियन एंड सी एफ थर्ड मीडियन। ऑल द थ्री मीडियंस मीट एट ए पॉइंट। जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। सो हियर इन दिस फिगर जी इज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। नंबर थ्री, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इच मीडियन इन द रेशियो 2:1। जैसे जी ए डी को डिवाइड करता है ए जी एंड जी डी में, तो ए जी और जी डी के बीच का रेशियो होना चाहिए 2:1। दिस रेशियो इज 2:1। सेकेंड वन, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है? एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू दैट साइड। इसका मतलब है कि अगर ट्रायंगल हमने लिया ए बी सी और कोई भी एक साइड लिया हमने बी सी, तो ए से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, देन दिस परपेंडिकुलर इज सेड टू बी एल्टीट्यूड टू द साइड बी सी। और अगर हम हर एक साइड पे ए सी पे ए बी पे भी अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करें और नेमिंग करें, तो फिर से हमें दिखता है कि सारे एल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। सो हमने लिखा यहाँ पे, नाउ अ ट्राइंगल हैज थ्री एल्टीट्यूड्स। क्योंकि ट्राइंगल में थ्री साइड्स थ्री वर्टिसेस, इसलिए इसके थ्री एल्टीट्यूड्स भी होते हैं। सो अ ट्राइंगल हैज थ्री एल्टीट्यूड्स एंड ऑल द थ्री एल्टीट्यूड्स आर ऑलवेज कंकरेंट। दैट इज, इसका मतलब है कि दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओनली, वन पॉइंट ओनली, यानी केवल एक पॉइंट से होके ये गुजरते हैं। नंबर टू, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर। जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है ऑर्थो सेंटर। जैसे हमने इसमें देखा था मीडियन में सेंट्रॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें है ऑर्थो सेंटर। इन द फिगर ओ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। इस फिगर में जो हमारा ओ पॉइंट है ये ऑर्थो सेंटर कहलाएगा, क्योंकि तीनों एल्टीट्यूड्स एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। ऑल द थ्री एल्टीट्यूड्स ए डी सी एफ एंड बी आर मीटिंग एट वन पॉइंट ओ। नेक्स्ट, सरकम सेंटर एंड सरकम सर्कल। ये है द परपेंडिकुलर बायसेक्टर्स ऑफ ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल मीट एट ए पॉइंट। पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर बायसेक्टर होता क्या है और ये इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। सो द परपेंडिकुलर बायसेक्टर्स ऑफ ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल मीट एट ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। अभी हम फिगर से समझा रहे हैं। इन द गिवन फिगर में ए सी का परपेंडिकुलर बायसेक्टर, अब ये ड्रॉ कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर हमको बी सी का परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ करना है तो कंपास लेंगे और कंपास पे पेंसिल सेट करेंगे, लेबलिंग करेंगे, और कंपास का नीडल रखेंगे सी पे,
और ये इसका मोर देन हाफ, अपनी अंदाज से मोर देन हाफ ले लेंगे, वो पॉइंट अभी नहीं आया, मोर देन हाफ लेंगे और इधर इधर काटना है, नीचे भी काटनी है, फिर छोटा बड़ा करना नहीं है। इस बार निडल रखेंगे यहाँ पे और इसी को कट करेंगे, फिर से उस आर्क को कट करेंगे। दोनों आर्क जब कट जाए तो स्केल से रूलर स्केल से हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने पे ये किसी पॉइंट बीसी के किसी पॉइंट से टच करता है, ये पॉइंट इसको नोट करेंगे हम लोग, है ना। इस पर जो भी एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा, और अगर देखा जाएगा तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, यानी परपेंडिकुलर भी है और बायसेक्टर ऑफ बी सी है, इसलिए इसे हम बोलेंगे ये परपेंडिकुलर बायसेक्टर है बी सी का। ये तो हमने एक साइड लिया, अगर तीनों साइड लेंगे तो तीनों के परपेंडिकुलर बायसेक्टर्स मिलेंगे, और ये देखा जाए तो तीनों परपेंडिकुलर बायसेक्टर्स एक ही पॉइंट से होकर गुजरते हैं। इसलिए इस फिगर में, इन द गिवन फिगर द परपेंडिकुलर ऑफ द परपेंडिकुलर बायसेक्टर, यहाँ पर हमने लिखना छोड़ दिया, भूल गया था, परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ द साइड बी सी, ऑफ द साइड बी सी इज पासिंग थ्रू ओ, बी सी का परपेंडिकुलर बायसेक्टर पास करता है ओ से। नाउ अ ट्रायंगल हैज थ्री परपेंडिकुलर बायसेक्टर्स ऑफ द थ्री साइड, तीन साइड है, इसके तीन परपेंडिकुलर बायसेक्टर्स हैं, एंड ऑल दीज थ्री परपेंडिकुलर बायसेक्टर्स आर कंकरेंट, यानी ये तीनों परपेंडिकुलर बायसेक्टर्स एक ही पॉइंट से होकर गुजरते हैं, आर कंकरेंट दैट इज दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, तीनों एक ही पॉइंट से होकर गुजरते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री परपेंडिकुलर बायसेक्टर्स इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, जिस पॉइंट पे टच करते हैं गुजरते हैं उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ऐसे जनरली सी से डिनोट किया जाता है, लेकिन हमने सी पॉइंट पहले से ले लिया इसलिए इसको पी नेमिंग करते हैं। सो पी इज सेड टू बी सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर क्यों बोलते हैं ये भी देखते हैं। इफ टेकिंग पी एज सेंटर, अगर पी को सेंटर मान लें हम लोग, और पी ए पी बी या पी सी को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करें, तो हम देखेंगे कि ये सर्कल ए को भी टच करता है, बी को भी टच करता है और सी को भी टच करता है, और ये हमेशा ट्रायंगल के बाहर से गुजरता है। बाहर से गुजरा इसलिए सर्कम सेंटर सर्कम हो गया, अगर अदर से गुजरता तो इन सेंटर हो जाता, इन सर्कल हो जाता। सो इफ टेकिंग पी एज सेंटर एंड पी ए एज रेडियस A circle is drawn, then this circle will pass through A, B and C. यानी all the vertices को यह touch करता है। This circle is known as circum circle. इस circle को बोलेंगे circum circle. हमने बनाया नहीं है, इसलिए कि ये actual construction हमारा नहीं है, हमने अपने अंदाज से बना लिया, लेकिन real में अगर बनाते हम लोग हैं तो जब भी हम लोग यहाँ सेंटर मानेंगे, इसको रेडियस मानेंगे, तो सर्कल ऐसा मिलेगा जो ए बी सी को टच करेगा। सर्कम सेंटर पी और सर्कम सर्कल बनाने पर मिलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है इन सर्कल एंड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, क्या है इन सेंटर और इन सर्कल, इसको भी ध्यान दें हम लोग ना। तो ये हमारा है पहला है इन सर्कल एंड इन सेंटर, ये है द एंगल बायसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट ए पॉइंट, क्योंकि किसी ट्रायंगल में थ्री साइड्स होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं, तो ए बी सी सारे एंगल्स का बायसेक्टर अगर ड्रॉ करें, ये सारे एंगल बायसेक्टर्स भी एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं, जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उसको इन सेंटर बोलते हैं। सो यहाँ पे द एंगल बायसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट अ पॉइंट दैट इज दे पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, एक ही पॉइंट से पास करते हैं। पहले वाले फिगर में ट्रायंगल ए बी सी, मान लिया इसका नेमिंग किया हमने ए बी सी, तो
तो एक आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो कंपास रखेंगे यहाँ पे और अपने मन से कोई भी एंगल हमने बना लिया, किसी भी मेजरमेंट का एंगल बना लिया। अभी क्या करना है कि एंगल इसके कंपास की साइज छोटी बड़ा नहीं करना है। एक बार निडल रखेंगे यहाँ पे और पेंसिल इधर काट देंगे, फिर उठाएंगे कंपास को यहाँ रखेंगे और फिर इसको काटेंगे, दोनों जहाँ कट जाए इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। तो हमारा जो भी होगा इसको बोलेंगे हम लोग एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। जैसे इसमें AO क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का। लाइक वाइज B से भी बनेगा और C से भी बनेगा ऐसे ही बाइसेक्टर। सो द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट एट ए पॉइंट दैट इज दे पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द सर्कल। उसको बोलेंगे हम लोग इन सेंटर है। इन द फिगर, इस फिगर में आई इज, जैसे इसको मैं तीन बनाया, आई नेमिंग किया हम लोग, तो आई हमारा इन सेंटर हो गया, आई इज द इन सेंटर। नाउ टेकिंग आई एज सेंटर, आई को सेंटर मान लें और आई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें BC पर भी, AC पर भी और AB पर भी, जैसे ऐसे हमने ड्रॉ किया है। और इस बार आई को सेंटर मानते हुए ID को रेडियस या IE को रेडियस या IF को रेडियस मान के सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सर्कल ऐसे बनेगा जो तीनों पॉइंट को टच करेगा। सो इन द फिगर आई इज द इन सेंटर, टेकिंग आई एज द सेंटर, इफ परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन टू ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एज हियर, यहाँ पर क्या है इस फिगर में ID, IE एंड IF, एंड वन ऑफ इट लेट ID इज टेकन एज रेडियस। इस तीनों में से कोई एक को अगर रेडियस, वन ऑफ दिस, कोई इस तीनों में से कोई एक, वन ऑफ दिस लेट ID इज टेकन एज सेंटर, ID को रेडियस मान लिया हम लोग। अ सर्कल इज ड्रॉन, देन दिस सर्कल विल पास थ्रू DE एंड F, यानी D को भी टच करेगा, E को टच करेगा और F को टच करेगा और किसी पॉइंट पर टच नहीं करता है। दस द सर्कल विल टच ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, इसलिए इस पूरे ट्राइंगल के तीनों साइड्स को ये सर्कल टच कर लेगा। इस सर्कल को बोलते हैं हम लोग इन सर्कल, दिस सर्कल इज कॉल्ड इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। इस अब कुछ थ्योरम है उसको भी देख लें हम लोग। थ्योरम है नंबर 1, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स दैट इज 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, टू राइट एंगल्स होता है। कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। कि मान लिया कि ABC एक ट्राइंगल है, लेट ABC बी ए ट्राइंगल। हमें प्रूव करना है कि एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स, मतलब 180 डिग्री। अब एक कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में सी से एक लाइन CE पैरेलल ड्रॉ करेंगे BA के। पहला है प्रोड्यूस BC अप टू D, BC को बढ़ाएंगे D तक एंड ड्रॉ CE पैरेलल टू BA, BC को बढ़ाएंगे D तक और C से CE पैरेलल BA ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइंस। अब देखेंगे प्रूफ में, हियर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ECD। जब टू लाइंस आपस में कटते हो, पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, तो रीजन में हमने लिखा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट, अगर टू लाइन पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल AC हो, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। जैसे हमने ये लाइन अगर पैरेलल ड्रॉ किया और ये ट्रांसवर्सल हो, तो ये एंगल और ये एंगल कहलाएंगे इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सो हियर आई विल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACE, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एडिंग बोथ साइड, बोथ अगर दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो LHS LHS से ऐड होगा, RHS RHS से ऐड होगा। इसमें ऐड किया गया, एडिंग एंगल ABC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ECD प्लस एंगल ACE। क्या करेंगे इसमें, दोनों तरफ एंगल BCA अपने मन से ऐड कर देंगे। हाँ
हम लोग इसके लिए स्वतंत्र हैं कि किसी भी खास क्वांटिटी को दोनों तरफ ऐड या सेपरेट किया जा सकता है. सो एडिंग बी सी ए द रिजल्ट कम्स एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी एस सी प्लस एंगल बी सी ए. ये दोनों तरह से रह गया, यहाँ भी ऐसे रह गया ई सी डी प्लस ए सी, केवल बी सी ए दोनों तरफ ऐड हो गया. और अगर इस तीनों एंगल्स को हम लोग फिगर में देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स बना हुआ है, इसलिए ये एंगल हो जाएगा स्ट्रेट एंगल्स और तीनों का सम हो जाएगा एंगल बी सी डी. इसमें एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल तीनों को ऐड कर दें तो ये पूरा का पूरा एंगल हो जाएगा एंगल बी सी डी. यानी किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है तो 180 डिग्री. दैट इज वाई हेयर एंगल बी सी डी इज 180 डिग्री. सो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. प्रूव हो गया. नेक्स्ट थ्योरम इज इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. अगर किसी भी ट्रायंगल में किसी भी साइड को प्रोड्यूस करें तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होता है. इसके बारे में हमने पीछे बताया है कि क्या होता है इंटीरियर अपोजिट और क्या होता है एक्सटीरियर एंगल्स. सो इस फिगर में हमारा है लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल इन विच साइड बी सी इज प्रोड्यूस्ड. बी सी को बढ़ाकर डी तक ले गए. बी सी इज प्रोड्यूस टू कहाँ तक ले गए इसको, डी तक. देन वी हैव टू प्रूव एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी. अभी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं कि मान लिया सी एक पैरेलल ड्रॉ किए बी ए के, तो यहाँ पर ये एंगल फिर से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल फिर से अल्टरनेटिंग एंगल्स जैसे पिछली बार हुआ था. अभी दोनों को ऐड करते हैं तो एंगल बी प्लस एंगल ए और एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी टी. और जब ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी टी, एंगल ए सी टी. इसलिए एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी. इसलिए एक्सटीरियर एंगल हो गया, हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. नेक्स्ट इसके बाद फिर शुरू करते हैं.